शारदीय नवरात्रों में हर कोई माता पूजन के माध्यम से अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा से काम कर रहा है। तो वहीं बैटमा के नव युवकों ने एक ऐसा संगठन बनाया जो बीते 9 वर्षों से नगर की शासकीय कन्याओं के लिए शारदीय नवरात्रि में उनकी खिचड़ी प्रसाद के साथ पाठ्य सामग्री की भी चिंता कर उन्हें विभिन्न सामग्री भेंट कर रहा है, जिसे कन्याशाला भक्त मंडल नाम दिया गया है। वहीं नगर में स्वदादा जानकी वल्लभ जी धामंदिया लाइनमैन की स्मृति में मां अन्नपूर्णा के भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन गुरुवार को बैटमा नगर में किया गया। चुनरी यात्रा में गीत संगीत की धुन पर थिरकते हुए गरबा मंडली के साथ कन्याएं अपने कलश को लेकर चल रही थी। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कन्या माध्यम विद्यालय के बाल के मित्र प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम याचिका परमार है। पूरा बाजार से जो भक्त मंडल आते हैं वो हमें प्रसाद और शिक्षण सामग्री देते हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। धन्यवाद। माध्यमिक विद्यालय पूरा बाजार बेटपा में पूरा बाजार भक्त मंडल के द्वारा विगत 9 वर्षों से यहाँ पर खिचड़ी प्रसादी वितरण किया जा रहा है। पूर्व में इनके द्वारा शुरुआत हुई थी और आज भव्य रूप से प्रोग्राम उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले 50-51 से छात्राओं से शुरुआत हुई थी, आज 385-400 के लगभग सभी छात्राओं को इनके द्वारा वितरण किया जाता खिचड़ी का, और जो खिचड़ी के बाद पैसा बचता है उनके द्वारा फिर वो विद्यालय में उपयोगी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे नेट दी गई थी जो बच्चियाँ योग करती हैं, और चप्पलें हैं, कापी है, पेन है, पुस्तक है। कमज़ोर रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चियाँ आती हैं विद्यालय में उनकी भरपूर इनके द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था की जाती है और इनके सर्वांगीण विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम विद्यालय परिवार की ओर से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम? रामेश्वर मंडली, प्रधानाध्यापक, साजी कन्या माध्यमिक विद्यालय बैठे। नवरात्रि का, कन्या पूजन का, कन्याशाला में ये हमारा नवा साल है। ये कन्याशाला भक्त मंडल सब लोग मिलकर करते हैं। इससे ये इसलिए चालू करा था कि नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर 9 कन्याओं को एक दिन भोजन पर बुलाता है। वो 9 कन्या अपने आसपास की बच्चियाँ आती है। जब मेरी गुड़िया छोटी थी मैंने उससे पूछा था, बेटा आज नवरात्रि में आप कहाँ कहाँ खाना खाए, कितनी जगह खाना खाने गए थे? वो बोलते थे, डैडी की आज मैं 10 जगह गई हूँ, आज 8 जगह गई हूँ, आज 12 जगह गई हूँ। अलग अलग हर नवरात्रि बच्चियाँ इतने इतने घर जाती है, वो सब अच्छे मध्यम परिवार सक्षम परिवार से रहती है। लेकिन बेटमा का शासकीय कन्याशाला स्कूल जहाँ छात्रावास के 100-150 कन्याएँ और सब मिला के 385 कन्याएँ रहती है, इनका पूजन कोई नहीं करता था। बस उस परिपाटी की शुरुआत करी, शुरू दिन से बस कारवा बढ़ता गया, सभी भक्त मंडल के मित्र जुड़ते गए और बड़े शानदार तरीके से 9 दिन कन्या पूजन होता है हमारा। बच्चियों का कन्या पूजन करने के बाद उन्हें 20 रुपये का एक रजिस्टर और पेन उनको सब पूजा करता है, जो पूजन करता है उनको करते हैं उनको देते हैं और सभी कन्याओं का पूजन होता है। इसके अलावा प्रसादी भी सबकी तरफ से होती है, कोई ऐसा नहीं है किसी को करना हो तो जो सहयोग करना करते हैं सहयोग। इसके अंदर कभी से भी प्रसादी के अंदर जो पैसा कभी बच जाता है भक्त मंडल के पास, तो वो स्कूल के अंदर जो उपयोगी चीज़ होती है सर स्टाफ परिवार बताता है, उस स्टाफ के अंदर वो चीज़ें आ जाती है। जैसे बच्चे यहाँ की योगासन करती है, पिछली बार योगासन के लिए सारी नेट आ गई थी, इस बार 2-4 नेट घट गई है और नेट आई है। इसके अलावा कन्याशाला के अंदर बैग स्कूल कापियाँ गतिविधि चला करती है भक्त मंडल द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।